और उन्होंने कहा कि एक लीडर हिंदुस्तान में है, इतना अपडेटेड, इतना हाईली लर्नेड लीडर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना अप टू डेट रहने वाला लीडर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं देखा। एक निजी वाक्य बताऊं तो जब अब्बा जेल में थे, अभी गुजरात जेल में पहुंचे, उनको महज 2 साल से वो जेल में है गुजरात में। तो जब से वो गुजरात जेल में है, वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं, एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दे, और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। यहां तक कि ये जुनून उनकी स्पीच को सुनने का कि जो जब सांसद थे उस समय के जो अब्बा के पीए थे, उनको दिल्ली में कहलाया कि जब मैं सांसद था और उससे पहले, उस जमाने के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस है वो मुझे पेनड्राइव में करके जेल भेजो, ये तक कहलाया गया। तो जब मैंने अपने अब्बा की बात सुनी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानों को सुना, स्पीचेस को सुना, तो यह एहसास हुआ मेरा भी जो उल इल्म है, जो अकल इजाजत देती है, उस हिसाब से हमें समझ में आया कि हम आज तक ठगे जा रहे हैं, आज तक हम ठगे जा रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। समझ लीजिए कि इसी तरह से हम लोग ठगे जा रहे हैं और झूठ बोला जा रहा है। हमको वो है जिन्होंने इतने साल वोट दिया है, हमारे आपके बाप दादाओं ने इनको वोट दिया है, अगर आज हम खुद वोट मांगने की बात कर रहे हैं तो हम क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं बताइए। अगर हम वोट मांग रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमारे साथ अगर हमारे हिंदू भाई मुसलमान सब साथ में है, हिंदू भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, उनको ये पार्टी अगर मौका देने की और उनको हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन पे चलाने में दखल देने की बात करती है और सबको लेकर साथ चलने की बात करती है, तो अगर हम आजादी के 75 साल के बाद अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में और भी जगह हिंदुस्तानों में हमको कहते हैं वोट कठुआ, सुनिएगा, हमको कहते हैं वोट कठुआ। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया है सेंट्रल में, कठुआ कठुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में, अब ये यूपी में वोट कठुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए अगर हम कठुआ कहलाए जाने से कभी शर्माए नहीं, हम कभी नहीं शर्माए, तो वोट कठुआ कहलाए जाने से क्या शर्माएंगे। कहते हैं ये लोग वोट कठुआ, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने कुछ भाई भी उसी में शामिल हो जाते हैं। हम इधर 22% है, 100 में हम 22% है, यहाँ कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वे वोट का नदी और नाला है, तो क्या कभी समंदर को नदी नाले रास्ता दिखाते हैं? नदी नाले आके मिलते हैं समंदर में, आके ये मिलते हैं हमें, ना कि हम इनसे गुजरते हैं। ये अपने अंदर एक एहसास लाइए, कभी किसी से कम ना समझिए, एक नारा रखिए कि हम पर क्यों कठुओं का नारा है, अरे सौ में 22 हमारा है, हम पर क्यों कठुओं का नारा है, सौ में 22 हमारा है। अगर मैं बचपने की बात करूं कुछ, तो मैं छोटा सा था, सुनिएगा, तो मैं छोटा सा था और स्कूल जाता था पहले, एक मिनट, मेरा सुन लो,
बात में तो सुन लो, जब स्कूल में जाता था तो देखते थे दीवारों में लिखा होता था कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और लिखा होता था कि मुसलमान है तुम्हारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान है। तो ये मैं सोचता था कि ये किसको कहने की बात कर रहे हैं। मैं स्कूल जाता था तो पढ़ता था कि बाबर तो एक राजा था, औरंगजेब एक राजा था, ये किसको इशारा करने की बात कर रहे हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये हमें इशारा करते हैं। और यही लोग जो हमारी माँ बहन बेटियों को बेवा करने की बात करते हैं, अगले ही पल हमारे हिमाची बनकर तलाक की बात करने लगते हैं। ये कहाँ मेरे वहां से बताइए, इन पर कैसे भरोसा करा जाए। आप खुद सोचिए कि एक तरफ हमारी माँ बहनों को बेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तलाक की बात कर रहे हैं। यकीन कर रहे लायक है कि नहीं है ये लोग, आप बताइए। और हमसे बड़ा देशभक्त कौन है। हमारे पास चॉइस थी, चाहते तो जा सकते थे। कौन है हमसे बड़ा देशभक्त। चॉइस थी हमारे पास, जा सकते थे लेकिन रुक गए। हम वो नहीं है जो कराची चले गए, उनमें से नहीं हम। हम रुक गए, चाहते तो चले जाते वहां पर था हमारे, लेकिन नहीं गए, रुक गए। और हमारी पुश्ते यही दफन होगी इंशाल्लाह इसी मिट्टी में। ये हमसे वफादारी का सबूत, वफादारी का सबूत मानते हैं ये लोग। और ये भी सुन ले कि जरूरत पड़ेगी तो इसी मिट्टी के लिए कुर्बानी भी देने को हम हाजिर हैं, कुर्बानी भी देंगे हम। और हमारा मतलब भी सिखाता है कि जहां रहो उसके वफादार रहो, वफादार रहना जरूरी है। और ये अब्बा ने तब भी कहा था कि ए लोगों, ऐ सियासतदारों सुन लो, हम सीने पे गोली खाएंगे, मुरली मनोहर जोशी तुम सीने पे गोली नहीं खाओगे। ये अब्बा ने कहा था। सन 89 से 89 से तारीख है कि आज तक किसी दंगा, किसी दंगे की वजह से, दंगे की आग को, आग की वजह से इलाहाबाद के आसपास का घर कभी किसी ने जलाया नहीं। ये सारी गवाह है खुद में कि हमारे वालिद जब से विधायक बने तब से किसी दंगे ने किसी के घर को जलाया नहीं। आखिर जब घर जलाना हुआ तो सबसे पहले हमारा घर जलाया, हमारा घर तोड़ा, हमारा घर पूरा तोड़ के एक कर दिया। और ये तोड़ के हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा पहले तोड़ा, लेकिन उन्होंने हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए घर जो वो घर पहचान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर है, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक ईंट जिन हाथों में गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी। अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आप 26 साल में जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसुना बहाना। दोनों ने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना असल फाड़ कर उसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सब न झुकाऊंगी। अब जरूरत हमें आपको है कि किसी की दलाली बजारी न किया जाए, किसी का झंडा न उठाया जाए,
झंडा उठाया जाए तो अपना झंडा उठाया जाए, बात की जाए तो अपनी बात की जाए, किसी और गैर की बात न की जाए। हमारे साथ अगर हक पे चलने वाले लोग हर तरीके से जुड़ने को तैयार हैं तो हम वो लोग हैं जो हक के लिए जान दे सकते हैं, एक पल को नहीं छोड़ते। हम उनमें से हैं। आज के बाद ऐसा करिए कि कोई नेता ये न कहे कि जाओ लग जाओ काम करो, नेता ये कहे कि हमारे साथ जुड़ जाइए काम कर लीजिए। ये ताकत बनाइए अपने अंदर इकट्ठा होने की ताकत बनाइए। बहुत बहुत गुजारिश है आपसे, इस संगठन को मजबूत करिए। और अगर हमारी अम्मी अब्बा के बेटे हुए सबको पढ़ेंगी जो अब्बा ने साबरमती जेल से अपने आवाम के लिए भेजा है।